आलू का पुलाव। तो एक मैंने एक पैन में मैंने लिया देगची में पानी और उसमें डाला सौंफ और धनिया, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको आपके पास लहसुन हो तो लहसुन भी डाल दीजिएगा, क्योंकि यखनी जैसे तैयार होती है इसकी, यखनी के तौर पर हम इसको बनाएंगे। बाकी मैंने प्याज काटी, टमाटर काटे, नमक लिया, पिसी लाल मिर्च ली, ज़ीरा लिया, गरम मसाला लिया, दालचीनी ली, तेज़पात के पत्ते लिए, लौंगे ली, बादियान का फूल लिया, बड़ी इलायची ली, नमक लिया और ज़ीरा लिया। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो अब हम एक देगची गरम करने रखेंगे, उसमें डालेंगे हम ऑयल, ऑयल हो जाएगा तेज गरम। पहले हम वेट करेंगे इसके ऑयल गरम होने का, क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है, कोई भी चीज़ डालो तेज कलर आता है उसका। तब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज आप अगर बना रहे हैं दो बंदों को, जैसे मैं तो दो अफराद का बनाती हूँ पुलाव, तो उसी हिसाब से दो प्याज़ें डाली हैं मैंने। यहाँ मैंने डाल दी दो प्याज़ें और अब यहाँ सब चीज़ें रेडी रख दी हैं मैंने। अब इसमें डालूँगी मैं साबुत गरम मसाला, सबसे डालूँगी तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, लौंग, 4 से 5 हमें लेनी है लौंगे, बादियान का फूल। यहाँ मैं एक हाथ से काम कर रही थी तो काफ़ी मसला हो रहा था, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा सही से नहीं हुआ। इसमें बड़ी इलायची डाल दी हमने, दो बड़ी इलायची। तो ये कुछ काली बची हुई थी, ये भी डाल दी हमने। अब हम डालेंगे ज़ीरा, थोड़ा सा रह गया तो वो भी हम डाल देंगे इसमें। ज़ीरा बहुत मज़े का बनता है, सारा मसाले वाला पुलाव बनता है, लेकिन आप बिल्कुल पुलाव लगेगा आपको, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम रख देंगे प्याज ब्राउन होने, तो जब तक होती है हमारी प्याज ब्राउन, यहाँ हमने सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी रखी हैं किसी भी वक्त में। अच्छा, हम तीन चीज़ें बचा रही थी, नमक, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला और काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ज़ीरा। बाकी हमारी प्याज लाल हो चुकी है, इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छे से इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को इससे जायका बहुत अच्छा आता है। ये प्लीज़ रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े की बनती है इससे। इसको अच्छे से हम चला लेंगे ताकि ये कहीं से लगे ना। और इसमें डाल देंगे हम टमाटर, टमाटर जितने बारीक होंगे इतने ही जल्दी ये गल जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं इसमें पुलाव में हमारे। तो अच्छे से इसको भी भून लेंगे। कलर देखिए आप, कलर कितना प्यारा कलर आया है। और बाकी ये हमने प्याज रखी है, टमाटर जब गल गए तो उसमें लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला जैसे मिक्स कर रख ले लेंगे और इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। ना भून लेंगे कि टमाटर बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल गल जाए, नज़र ना आए। तो यहाँ मसाला जो है वो हल्का हल्का लगना शुरू हो रहा था। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा ही डालेंगे कि इतना कि खाली टमाटर गल जाएं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। आप देखिए कलर कितना प्यारा आया है और टमाटर जो हैं हल्के खड़े खड़े हैं टमाटर। और अब हम इसका दूसरा रुख दिखाते हैं। और ये है ज़ीरे का, ज़ीरा भी डाल दिएगा इसमें और साबुत धनिया और सौंफ। और बाकी ये इसको हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक टमाटर हमारे गल जाएंगे। यहाँ मैंने निकाले छोले, आलू। छोले मैंने उस दिन बॉईल करके रखे हुए थे, तो जब ये अच्छे से गल जाएंगे टमाटर तो इसमें हम आलू और छोले डाल के अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छे से भून लिया कि कोई भी मतलब कच्चा कच्चा ना लगे, क्योंकि गल तो जाते हैं लेकिन एक वो जो हम भूनने की स्मेल होती है वो बहुत जायका आ जाता है चीज़ों में। और यहाँ देखें कितने मज़े का लग रहा है अभी से, इसकी हम सब्ज़ी भी बना सकते हैं आलू और छोले की। लेकिन अभी हम बना रहे हैं पुलाव, इसको अच्छे से भून।
गया, इसका तेल जब ऊपर आ गया तो हमने हर किया छन्ना, और इस छन्ने से बहुत हेल्प हो जाती है। और इससे हम सौंफ और धनिया और थोड़े से जीरे का पानी जो है वो कल इसमें डाल देंगे, छन जाएगा ये पानी। और दूसरी तरफ पता है मैंने दूध बॉयल होने रात के लिए, और इसका पानी बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया है इसके अंदर साबुत धनिया से। और अब देखिए कलर कितना प्यारा आया है इसका, इसमें ऑयल बहुत कम डाला था हमने, ना होने के बराबर। बाकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी पुलाव वाली आ रही थी खुशबू। और यहाँ मैं भिगोने रखूँगी चावल, चावल मैंने लिए थे 1.5 गिलास, 2 प्याज़े, 4 टमाटर, और सब चीज़ें जो मसाले लिए थे वो 1 टेबल स्पून लिए थे सारे, कोई भी ज़्यादा नहीं लिया। और यहाँ हम देखेंगे क्या सूरत हाल है, चावल डाल चुकी थी मैं, और चावल डालने के बाद आप देखें कितनी प्यारी, लेकिन इसमें हल्का से अभी चावल गले नहीं थे, खाली पानी खुश्क हुआ था, बाकी मैंने रख दिया था इसको थोड़ी देर में दम पर। इसका कलर चेक करें कितना प्यारा वाइट कलर आया है। और यहाँ हमने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए गलने, ढक्कन ढक के। अब हम ढक्कन खोलेंगे, और यहाँ मैंने ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था एसेंस, किवड़ा एसेंस, और जर्दे का रंग डाल दिया था थोड़ा सा इसमें, तो इससे कलर बहुत प्यारा 2 कलर आता है। ये रेसिपी मैं अपनी नन से सीखी थी, वो बनाती हैं इस तरह से, और उनके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है। आप देखिए कलर कितना प्यारा आया है। आलू मैंने तैमूर की वजह से डाले थे, वरना ये छोलों का पुलाव था, तैमूर आलू बहुत शौक से खाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम शुरू करेंगे, आपको दिखाना कि ये वाला केवड़ा हमने यूज़ किया था, और जर्दे का रंग मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि वो बार बार गिर रहा था इस वजह से। और यहाँ हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है, तो हम बैठे इसको खाने। यहाँ मैं भूल गई थी चावल डालते हुए, इतनी यकीन में इतने चावल डाले हैं मैंने, तो चावल डालते हुए सिर्फ इतने डाले, 1.5 गिलास पानी है, 1 गिलास चावल है, तो इतने पानी में हम डालेंगे चावल। एक थोड़ी आगे पीछे हो गई, और यहाँ हम गए थे रात में राजपूत हॉस्पिटल, शरीर के गले में हो रहा था बहुत दर्द, और बाकी लॉकडाउन देखें इस तरह सन्नाटा है रोडों पे, कोई नज़र नहीं आ रहा था, बस ये जो गाड़ियाँ थी वही थी, और यहाँ जा रहा था आम वाला, आम का टेस्ट तो पहले वैसा रहा नहीं। और यहाँ एक फैमिली भी खड़ी हुई है, और यहाँ घर के पास पेट्रोल बैंक है, और यहाँ मुझे छोटी सी बिल्ली दिखी बहुत प्यारी थी, फिर आए हम पेट्रोल डलवाने, तो जो भी ज़रूरतमंद है वो इधर। यहाँ जा रही थी मैं अपनी बहन के घर, कुछ काम था मुझे, तो यहाँ मैं आई हूँ बहन की तरफ, एक लड़ी का भेजा, और सन्नाटा चेक करें आप, कोई भी नहीं है, शरीर का कैप गिर गया था, शरीर गए थे अपना कैप उठाना जिसका, और यहाँ सामने पेट्रोल पम्प था, और कोई भी नहीं था, 2 रुपये पैदल चलता हुआ कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ बाइक कार ही थी। Thank you.
यहाँ आई हुई थी मेरी जेठानी रात के 3 बजे, और उनके बच्चे भी आए हुए थे, तो मैं साथ साथ बैठ के बातें कर रही थी। हमारा कबाब बिल्कुल रेडी हो गया है और हम जा रहे हैं कमरे में खाने, और यह है जो छोले का पुलाव था वो, और साथ में कबाब, मज़ा ही आ गया इसको खा के तो। और यहाँ मैंने तैयारी कर ली है कस्टर्ड की, सारी चीज़ें एक जगह रखी हैं। हमारी जेली है, जेली पहले आ गई थी एक्सपायर, फिर जाके चेंज करवाई सही दी, और ये हमारा कस्टर्ड। यहाँ मैंने जो बारीक बारीक खा के यहाँ ब्राउन निकाला, और ये कस्टर्ड है, केले हैं, ये अंगूर हैं, और ये केक। यहाँ हम शुरू करते हैं बाउल में कस्टर्ड डालना। यहाँ मैंने डाले अंगूर, काफ़ी दिन से फरमाइश थी जो आज पूरी हो रही है, और ये डाली मैंने जेली। ये डाले मैंने केले, आधे डालेंगे, हर चीज़ आधी आधी। केक हम रहने देंगे एंड के लिए, और यहाँ जितना बचा हुआ कस्टर्ड था मैंने दोबारा बाउल में डाल दिया है, और जो बची हुई चीज़ें थी जैसे जेली बची हुई थी, यहाँ मैंने सबसे पहले जेली डाल दी, उसके बाद मैंने डाले अंगूर बचे हुए। अंगूर अगर चाहें तो बीच में से कट भी कर सकते हैं आप लोग, सब आपकी मर्ज़ी पे है। और यहाँ बचे हुए केले डालेंगे हम, केले कस्टर्ड में मुझे बहुत पसंद है, सब शौक से खाते हैं फ्रूट कस्टर्ड। ये ट्राइफल टाइप का मैंने बनाया था, कस्टर्ड तो नहीं है ये, ट्राइफल है। और यहाँ जितने केक थे, केक के चंक्स जो थे वो मैंने इसमें डाल दिए पीसीस करके। बेक टाइम भी ले सकते हैं केक आप, और देखें कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है, खाने में भी बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का। और यहाँ आ रही थी तैमूर की बर्थडे 18 अगस्त को, लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी 9 अगस्त को कर दूँ। तो मैंने कुछ केक पसंद करे हैं, कुछ डिज़ाइन, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तैमूर की बर्थडे में मैं कौन सा केक रखूँ, मैं ये वाला केक रखूँ या फिर रखूँ ये वाला। तो अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, सब ख्याल।